आज के दिन यति नरसिम्हानंद जी ने घोषणा की थी कि 17 तारीख को नुपुर शर्मा वाले शूट पर वो जामा मस्जिद जाएंगे, और जामा मस्जिद जाकर वहां के जो मौलाना है उनके आलिम है, उनके शब्दों में वो इस्लाम की किताब कुरान हदीस आदि जो भी होता है उसको लेकर जाएंगे, और वो उनके साथ शास्त्रार्थ करना चाहते हैं कि नुपुर ने क्या गलत बोला है। लेकिन महामंडलेश्वर यति महाराज को पुलिस ने नजरबंद कर दिया, पुलिस उनको घेर कर नजरबंद करके उनको रख दिया गया है। नजरबंद करने के बाद, उनको बंद करने के बाद यति नरसिम्हानंद ने अपना एक वीडियो बयान जारी किया है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर में यति नरसिंहानंद गिरी शिव शक्ति धाम डासना से आज मुझे और अनिल जी को यहाँ होम अरेस्ट भारत कल रात से कर दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह देश किस तरफ जा रहा है, सरकारें चाहती क्या है। आज मुसलमान सड़कों पर आजाद हैं और हम केवल ये जानना चाहते हैं कि जो बात बात पर भारत में सर तन से जुदा की है, जो बार बार रोज लड़ाई चल रही है, कभी किसी का सर तन से जुदा कर देना चाहते हैं, कभी किसी का सर तन से जुदा कर देना चाहते हैं, ये क्या हो रहा है और कब तक होता रहेगा, इसके लिए आज मैं जामा मस्जिद शास्त्रार्थ करने के लिए जाना चाहता था। अंग्रेज की सरकार याद आती है, अंग्रेज की सरकार में कई बार महात्मा जामा मस्जिद पर शास्त्रार्थ करने पहुंचे और उन्होंने मुसलमानों को उनकी औकात बताई भी और अंग्रेजों ने संरक्षण दिया सत्य को। आज हमारे अपने लोगों की सरकार है, हमारी हिंदुओं की सरकार है। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कभी भी हिंदुओं को बचा पाएगी। जिस तरह से हमारी हर जायज हर सही आवाज को दबाया जा रहा है और मुसलमानों को आजाद छोड़ा जा रहा, तौकीर रजा जैसे, ओवैसी जैसे, साध जैसे, मदनी जैसे मुसलमानों को आजाद छोड़ा जा रहा है हमारे कत्लो गारत की तैयारी करने के लिए, बहुत दुखद है। पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन मैं हिंदुओं से इतना कहना चाहता हूं, अगर इसी तरह से आप लोग चुप बैठे रहे और किसी का भी साथ आपने नहीं दिया, केवल नेताओं की चमचागिरी में ही लगे रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत इस्लाम की गुलामी में होगा और सनातन के लिए ये वो काली रात होगी जिसका फिर कभी सूरज नहीं निकलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये यति नरसिम्हानंद गिरी जी थे, और उन्होंने साफ साफ भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और भाजपा के दिल्ली के प्रवक्ता नवीन जिंदल के बात पर यह कहा था कि हम आपको सबूत देंगे कि जो नुपुर ने कहा है वो आपकी ही किताब में लिखी है, और इसलिए वो साक्षात करने के लिए जाना चाहते थे। और लेकिन पुलिस ने उनको पूरी तरह से जो है नजरबंद कर दिया है, और पुलिस का कहना है कि इससे देश का माहौल बिगड़ सकता है, और इसीलिए उनको मंदिर परिसर में ही नजरबंद कर दिया गया है। और इस मामले में जो है आपको उनको देश विदेश से धमकी भी आ रही है मारने की। जब इन्होंने शास्त्रार्थ की बात की तो धमकी जो आ रही है उस पर उन्होंने अमित शाह जी से एक अपील की है, वो भी जो भी आप देखिए। और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद गिरी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ और शिव शक्ति धाम डासना से अपने सभी सनातनियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। कोई लॉरेंस बिश्नोई है लुधियाना, मुझे नहीं पता कौन है, उसका नाम लेकर 4 अलग अलग नंबरों से मुझे आज जान से मारने की और मेरा नामो निशान मिटाने की धमकी दी गई है। मैंने पुलिस को सूचित कर दिया है, जो मेरा काम था मैंने कर दिया है। मेरा निवेदन है जो लोग भी मुझे धमकी दे रहे हैं, पहले तो मुझे लगता नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई कोई होगा, मुझे लग रहा है कोई इस्लाम के जिहादी हैं जो मुझे धमकी दे रहे हैं, क्योंकि हमारी कुछ बातों से इस्लाम के जिहादी हिल गए हैं और उन्हें अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। जो मुझे मारना चाहते हैं मैं उनसे बताना चाहता हूं, मैं तो मरने के लिए बैठा हूं भैया, गाली देकर अपना मुंह मत खराब करो। तुम मुझे एक गाली दोगे मैं तुम्हें 4 गाली दूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो धमकियां सुनकर डर जाता हूं, ना मैं अपना काम छोड़ने वाला हूं, ना मैं किसी बात से समझौता करने वाला हूं, हर बात पर अडिग हूं। जो भी मैंने आज तक किया है, जो भी मैंने आज तक कहा है, मैं हर बात पर अडिग हूं।
इंच बराबर बाल बराबर भी अपनी किसी बात से हिले नहीं रहा हूं। और जो लोग मुझे मारना चाहते हैं, मेरा निवेदन है भैया, अच्छी तैयारी कर लेना, क्योंकि तुम्हारे जिंदा जाने के आसार बहुत कम है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, गृह मंत्री जी अमित शाह से अनुरोध करना चाहता हूं, बहुत दिनों से लगातार आतंकवादी मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। मौत आपके हाथ में नहीं है ना मेरे हाथ में है, लेकिन आपका कर्तव्य है मुझे सुरक्षा देना, ताकि ये कीड़े मकोड़े जिहादी ये ना समझने कि एक हिंदू महामंडलेश्वर को वो ऐसे ही मार सकते हैं। आप मुझे सुरक्षा दे या ना दे ये आपका काम है, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरी सुरक्षा जरा ठीक करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे यति नरसिम्हानंद जी, उन्होंने दो वीडियो जारी किए क्योंकि नजरबंद है, और इसलिए उनके संदेश को लोगों को पहुंचाने का काम पत्रकारों को करना चाहिए, और यही मैंने आपके साथ किया है। तो उनको बंद कर दिया गया है नजरबंद मंदिर परिसर में। तो ये आज खबर थी आपके लिए।